हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीसी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग सामान्य विज्ञान के रसायन शास्त्र का क्वेश्चन देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं रसायन शास्त्र के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है हाइड्रोजन और उसके यौगिक, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s है। हाइड्रोजन का क्षार धातुओं लिथियम सोडियम पोटेशियम और हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आदि दोनों के गुणों से समानता प्रदर्शित करती हैं। अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं के ऊपर, सातवें वर्ग में हेलोजन के ऊपर दोनों स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। इन समस्थानिकों को हल्की हाइड्रोजन और प्रोटोनियम ड्यूटेरियम या टाइटेरियम कहते हैं। प्रोटोनियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन की स्थायी समस्थानिक है, परंतु टाइटेरियम रेडियो एक्टिव है। प्रकृति में टाइटेरियम अति अल्प मात्रा में पाई जाती है। इसे कृत्रिम विधियों द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है। ट्रिटियम की खोज वर्ष 1931 में यूरे बिकबेड और मर्फी ने की। टाइटेरियम की खोज वर्ष 1934 में लॉगजियर ब्लिकाने और स्मिथ द्वारा की गई थी। ड्यूटेरियम का गुण है, ड्यूटेरियम रंगहीन गंधहीन स्वादहीन और जल अविलय गैस है। ड्यूटेरियम के अणु द्विपरमाणुक है। भारी जल भारी हाइड्रोजन ऑक्साइड DTO को भारी जल कहते हैं। भारी जल का खोज वर्ष 1932 में यूरो और वासवन ने की थी। भारी जल के उपयोग है, भारी जल की कीमती पदार्थ है। इसके मुख्य उपयोग है, पहला न्यूट्रॉन मंदक के रूप में न्यूक्लिक रिएक्टर में जो पदार्थ तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को चाल मंद करता है उसे मंदक कहते हैं। भारी जल न्यूक्लिक रिएक्टर को न्यूट्रैक्ट मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में सांद्र भारी जल के शरीर की हानिकारक है। भारी जल साधारणतः जल की तुलना में मंद वेग की अभिक्रिया करता है, जिसके शरीर में होने वाली समान अभिक्रियाएं असंतुलित हो जाती है। भारी जल पौधे के विकास को रोकता है। भारी जल में बीजों की अंकुर रुक जाती है। अब हम लोग मृदु जल और कठोर जल के बारे में देखेंगे। तो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है मृदु जल कहलाता है, और कठिनाई के साथ झाग देता है तो कठोर जल कहलाता है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, जल की कठोरता में उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट आदि लवणों की घुले होने के कारण होती है। साधारणतः साबुन सिट्रेरियन अम्ल का सोडियम लवण होता है। सोडियम सिट्रेरियन जल में विलेय है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में देखें तो 1888 में थियार्ड ने हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज की थी। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र H2O2 है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के गुण है, शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड फीका नीला गाढ़ा द्रव है। यह जल अल्कोहल और ईथर में विलेय है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका अपेक्षित घनत्व 1.47 है। इसका क्वथनांक 150.2 डिग्री और हिमांक 0.43 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का तनु विलयन कीटनाशी और प्रतिरोधी के रूप में घाव धोने गरारे करने दांत और कान साफ करने में काम आता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड रेशम ऊन पंख बाल तिनके हाथी दांत आदि कोमल वस्तुओं का विरंजक करने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, दूध शराब आदि परीक्षण करने में हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयुक्त होता है। चौथा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग रॉकेट जेट पनडुब्बियों और टॉर्पीडो को नोटेड में होता है। यह स्वयं ईंधन के रूप में या किसी अन्य ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हाइड्रोजन में नहीं होता। इसकी व्याख्या देखें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारणतः हाइड्रोजन समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यधिक भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो XH4। नेक्स्ट है, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता होगी 11.11%। इसका हम लोग फार्मूला से देखें, H2O का आणविक द्रव्यमान 2+16+18 ग्राम मोल है। जल में उपस्थित हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, अतः जल में हाइड्रोजन की प्रतिशत निकालेंगे 2/18 × 100 × 11.11%। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन अधिक के जल 290
किलो जूल ऊष्मा देता है, उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस जलने पर कितनी उत्पन्न होगी? तो H2 हाइड्रोजन का एक मोल होता है, तो हाइड्रोजन का एक मोल होता है 2 ग्राम होगा। 4 ग्राम से उत्पन्न ऊर्जा 290 × 2 580 किलो जूल होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलाने का क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। इसकी व्याख्या देखिए, हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन। इसकी व्याख्या है, हाइड्रोजन एक स्वस्तम दहन ईंधन है जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है, जबकि कोयला, मिट्टी का तेल और डीजल आदि जीवाश्म ईंधन कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं, जिनके जलने से वायुमंडल में CO2 आदि हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला है तो D2 है। इसकी व्याख्या है, भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2 है और भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र D2 है। D2 रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसका सापेक्षिक घनत्व 1.1 और हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होगा। हैवी वाटर का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बंधक व शीतलक के दोनों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, भारी जल एक प्रकार का है तो इसका आंसर हो जाएगा शीतलक और बंधक। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदन और प्रशीतन दोनों तरह के प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं तो भारी पानी। नेक्स्ट है, गुरु जल क्या है तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन और प्लस हैवी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट है, हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? तो SG उरे ने की। इसकी व्याख्या है, भारी पानी की खोजकर्ता अमेरिकी भौतिक रसायन हेराल्ड कल्टर उरे को वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारी पानी का अनुभार होता है 20। नेक्स्ट है, जल गैस है CO+H2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पीने के लिए पानी, साबुन के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, वायरलेस के प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो जगह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। नेक्स्ट है, जल के लिए pH का मान होता है तो लगभग 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का pH मान होता है तो 7 होता है। नेक्स्ट है, पानी का शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का पानी। नेक्स्ट है, पानी आयनिक लवण का सुविधायक है क्योंकि उसकी ध्रुवीय आण्विक अगुण अधिक है। नेक्स्ट है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने के पानी में शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो क्लोरीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समुद्री जल को शुद्ध जल किस प्रक्रिया में बदला जाता है? तो उत्क्रमण, परागसरण। नेक्स्ट है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो उत्क्रम, परागसरण कहते हैं। नेक्स्ट है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन। नेक्स्ट, इसकी व्याख्या देखिए, रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल के स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी को गंदे जल में मिलाने का जल शोधक क्रमशः स्कंदन, उर्सन तथा अवसादन द्वारा होता है, परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने से प्रयुक्त होने वाली गैस है? तो जाएगा हाइड्रोजन। इसकी व्याख्या देखें, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल बारीक चून उत्प्रेषक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन 150 से 180 डिग्री पर निकेल की इसकी कैटलिस्ट है, वनस्पति घी तैयार होता है। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से उत्प्रेषक का उपयोग होता है? तो निकेल में होता है। इसकी व्याख्या देखें, निकेल उत्प्रेषक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों के हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो देगा निकेल। इसकी व्याख्या है, हाइड्रोजनीकरण का अभिप्राय असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के यौगिक से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों को प्राप्त करने से है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए समानता निकेल का उत्प्रेषक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।